Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Good morning. Welcome to the show. Shai Harita Salam Kuru. Assalamu alaikum. Good morning. Subuh jo awaz mein tange bhali kar da chau. Ai asa tange bhali kar chau da unen dostan jo jin dostan asa ke rai ga ga gayo. Ai subuh ji shuruaat hindi aahe. Koshish karna hai to sutal lafzan sa the. Koshish karna hai to sutin galin sa the. कोशिश करना है कि नए अंदाज में थे सुठन रंगन से थी आज सुबह जो आ आज पे तो मौसम डाडू 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 बेहतरीन हो डाडू बेहतरीन हो आई यूजुअली डिठो विनो थे जदे क्लाउडी वेदर हुंदो है तो हवा जी किया हुआ मतलब हब्स वगैरह थी विनो पर आज हवा हले पई आई मुखे डाडू सुठो लगो मौसम तमाम बेहतरीन हो आई मु सोचो ते शायद पकोड़ा खणी ना पर कौन खणी आया एनीवे का गल ना है वरी ना नेक्स्ट टाइम वरी पोसा लिसना सी बारिश वगैरह में शायद पकोड़ा खणी चन ता या ना बरसात जे पई ने भी कैलिफोर्निया जी जी फरमा थॉट ऑफ अच्छा असा पंजे प्रोग्राम के एज यूजुअल पंजे फॉर्मेट के मुताबिक स्टार्ट करना सी अजी जो को थॉट ऑफ द डे जो कौन था से शेयर करना सी है इन थ्री वर्ड्स आई कैन सम अप एवरीथिंग आई हैव लर्नड अबाउट लाइफ इट गोस ऑन जिंदगी से क्या है वो तो केड़े भी फॉर्म में मतलब लाइफ हैज टू मूव ऑन ताँ के डिफिकल्टीज अचन दुख हुजन परेशानी हुजन सब कुछ जिंदगी जो कड़ो हिस्सो आए अगर पा यो सोचूं तो मतलब इन सा को फर्क न पड़ो जिंदगी के त मतलब उन के तो मूव ऑन थेणो ही है लाइफ के तो हलणो ही है पेंजे उन जो कड़ो अलग कड़ो रंग हुंदा उन हिसाब सा उन के हलणो ही आहे हिम्मत न हारो उम्मीदू पंजू जो को मजबूत रखो अल्लाह सिंह का अल्लाह का ज्यादा उम्मीदू रखो लाइफ में जो है डिफिकल्टीज इन यू एन पान के एग्रेसिव न करो पे इमोशंस से कंट्रोल रखो सिर्फ यो सोचो तो अल्लाह अग्या है जो बेहतर कंदो लाइफ के अप्स एंड डाउन तो लाइफ में इंदा ही रहना है इनला करे पनी हिम्मत करे भी ना हारो या कि सुची शय जे ता पनी लाइफ में इंप्लीमेंट करयो आई शायक ना बाकी ता सुठो जो थॉट ऑफ डे हो आई जे ता फरवा कोशिश करंदी है ता सुठी गालु खणी जे सुठी नसतु खणी जे आई सुठी गाल है बाकी में असा वधी खुशहाल ता आयो ता के घणी जान हुंदी है पर असा के कोशिश करना है ते यार ओ शैतान के सा रिमाइंड करायो असल में ये गाली सब उनन के खबर हुंदी है पर असा सिर्फ ताके रिमाइंड कराना है तो ये सी विसार होना है वाकई ये हकीकत है जेकरे ताके से रिमाइंड कौन कराना है असा का वधिक उस्ताद ता आयो असा का वधिक सीनियर ता आयो आई हर कोई आजकल के दौर में होशियार है वाकई जको को मानो को कम कार कंदो है तो उनते हमेशा तनकीद थींदी है उन में रुकावट इंदी है ओ डिसार्ड मानो थी विंदो है यानी डिसार्ड मानो न थे दिल खोले बिस्मिल्लाह करे पे कम की शुरुआत करे शुरुआत सा ही वो दिसो की है जितरो दुखियो कम हो ओतरो आसान थी वो जितनी दिल सा नियत सा मानो कम कंदो है तो वो जबरदस्त किस्म जो कम थी जो माना जे कम की माना उम्मीद भी कोन हुई है एक माना क्लियर रस्तो थी वो है जबरदस्त किस्म जो माना थी वी सब सिर्फ एत चाहे इंटेंशन मानू के पैंजा हमेशा साफ नीट एंड क्लीन रखन खपन जो तो नियत साफ होंगी सब छ आसान थी सही असम गेस्ट मौजूद हैं व्यूअर्स से सा इंट्रोड्यूस कराना सी तमाम बेहतरीन शेखता इंट्रोड्यूस करायो मा उन तो दोस्त तारीफ ही करंदस त शुरू खा असा जी जका सकाफत खातो है यानी जका असा सकाफत खाते में भी वाश अकाउंट थी ने कल्चर डिपार्टमेंट जो थिंदो है आई असा जो कल्चरल शय है जेने पाण असा किथे के दरगाहों ते के मजारों ते या के जगह ते या पुरानी जके एंटीक जगह होंदी है ने तो उत्ते तारीखी जगह ते उत्ते कम हिकड़ो होंदो खास तौर ते जिते ता दिसना तो काशी यो कम आई उनके चबा काशीगिरी चबो है आई वो भी असा जो सिंध में कदीम एक रवायतन सा हलंदो पयो छे आई मुगलन जे दौर खा बादशाही जो दौरन खा आई जबरदस्त किस्म जे कर मैलन में अन्या ते भी असा वटे तारीखी मकाम है जिते वो काशी यो कम है आई वो स्पेशली ठठे हल्या वणो आई ता नसरपुर हल्या वणो सचल सरमस्त हल्या वणो बिटशा दे हल्या वणो जेको काशी कम थेल है जिता काशी बुनियादी तौर ते स्टार्ट थी वी वो शहर है नसरपुर आई नसरपुर जे हां उता बिलोंग कन था हुन जे वडा दादा नाना उन जे वालिद साहब हाने वो नौजवान पाण एक नंडड़े घर मा आई एकड़ी मेहनत कही अजे उन एकड़े सुठे मकाम ते है
सुठी जगह ते आहे ऐं सिंधी नौजवान आहे, सुठो सिंधी टैलेंट आहे ऐं असां त इहे दुआऊं कंदा आहियूं जेतिरो कमु करे ऐं स्कॉलरशिप ते हू ॿाहिरि वञी चुका आहिनि, कुझु दुनिया घुमी चुका आहिनि ऐं वरी वञण वारा आहिनि, त वधीक हाणे मुंहिंजे हथ सां देरि कोन कंदुसि त मां हुननि जो इंट्रो करंदुसि। असांजे विच में आहे हसन काशीगर। इलाही माण्हू इवन मूंखे स्टूडेंट पाण बि एज़ अ सर काशीगर सर कंदा काशीगर मां सर काशी ऐं रियल नालो आहे पाण मूंखे पाण विसरी वियो आहे रियल नालो आहे त असल में ईअं थींदो त केर बि दोस्त वग़ैरह ईंदा आहिनि मूं ॾिठो यार हसन मोहम्मद हसन खां मिलणो आहे पोइ हमेशह माण्हू चवंदा आहिनि मोहम्मद हसन अहिड़ो माण्हू असांजे आहे ई कोन पोइ अहिड़ी तरह न त स्टूडेंट मूंखे माना काशी काशी सर काशी करे सॾु कंदा आहिनि त पोइ आउं पाण सोचींदो यार छो मुंहिंजो असली नालो मुंहिंजो मेंशन कोन था कनि माण्हू त पोइ हिन करे मां पंहिंजे पाण खे हसन काशी करे सॾींदो छोजो ईरान में हिकिड़ो उहो आर्टिस्ट हो हसन कूज़ा घरे नाले सां मुंहिंजी मुलाक़ात थी मैडम सलीम हाशमी फैद अहमद फैदी जेका फर्ज़ में त उन चयो त हसन कूज़ा घर ते हिकिड़ी नज़म लिखियलु आहे तव्हांजो जेको नालो उन सां मिले थो हसन काशीगर उन ते हू कुझु नज़म वग़ैरह लिखी रही आहे हसन कूज़ा घर ऐं हसन काशीगर जे विच में कॉम्बिनेशन असांजी अहिड़ी ज़बरदस्त ॻाल्हियुनि सां असां पंहिंजे व्यूअर्स खे ॿुधाईंदा हलूं त जेको हसन जो जेको कमु थियलु आहे मुंहिंजे ख़्याल सां उहो व्यूअर्स खे असां लिखाईंदासीं कोन ऐं असां जल्दी जल्दी में असां हसन खे घुरायोसीं हसन हिते ज़ाहिरी असां हिकिड़ो हिकिड़ो सेटअप बि कयूं आहे त हसन असां घणो कमु करे ॾेखारे पर हसन कुझु पंहिंजी महिनत खणी आया उहो असां पंहिंजे व्यूअर्स खे ॾेखारींदासीं त उहे स्क्रीन ते ज़रूरु ॾेखारींदासीं ऐं वधीक असां काशिप सां कचहरी वचहरी कंदासीं काशी हलो त इहे ॾिसो था कुझु क्लिप्स त पोइ वरी मोटू था हा मुंहिंजी इंस्पिरेशन जेका रही आहे न मुंहिंजो ख़ुदि पंहिंजो वालिद साहिबु रहियो आहे मूंखे यादि आहे जॾहिं आउं स्कूल लाइफ में सेकेंड क्लास में हुउसि त असां पॉकेट मनी पंहिंजे वालिद साहिब खां जेको आम हूंदो आहे बाबा ख़र्ची वठणु ख़र्ची ॾियो पॉकेट मनी खपे स्कूल था वञूं त पोइ जीअं जीअं सुबुह अर्ली इन द मॉर्निंग असां वेंदासीं स्टूडियो ते त वालिद साहिबु कमु कंदो हुओ त पोइ बाबा खे मां ॾिसंदो हुओ बाबा करे छा पियो त पोइ आहिस्ते आहिस्ते पोइ उते मुंहिंजो जेको डेवलप थी वियो त पोइ बाबा खे मोचे मोचे बाबा आउं बि कमु कंदुसि चवंदो पुटु तूं पढ़ फ़िलहालु हींअर इन कम खे छॾे ॾे थोरो भले तुंहिंजो माइंड थोरो उन लेवल ते अचे उन खां पोइ त पोइ आहिस्ते आहिस्ते जॾहिं आउं सतनि सालनि थियोसि न तॾहिं बाबा मूंखे चयो हाणे तूं कमु करे सघे थो ऐं उहो कमु मां पंहिंजे व्यूअर्स खे ॾेखारींदुसि ऐं किथी मां शॉट कंदुसि पंहिंजे व्यूअर्स खे ॾेखारींदुसि व्यूअर्स काशी जो तव्हां कमु असां स्क्रीन ते हलाईंदासीं तव्हां ॾिसी सघो था ऐं पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं असां प्ले कंदासीं काशी जा कुझु फोटोग्राफ्स जंहिंमें ॾिसूं था उहा कीअं आहे अचो ॾिसूं था
वेलकम बैक व्यूअर्स, असां तव्हांखे वरी भलीकार चवनि था असांजे प्रोग्राम में। ऐं ॾिस ॾिठो असांजे विच में काशी वेठो आहे ऐं हसन हसन काशी घर काफ़ी उनजी क्लिप ॾिठा ऐं उन्हनि जा जेको उन्हनि जी महिनत आहे जेके उन्हनि जा कम हुआ तव्हांजे साम्हूं आया। अॼु कुझु अञा बि कुझु क्लिप्स रहिजी असां ब्रेक ते विहायासीं ऐं हाणे हसन खां असां सुवाल पुछंदासीं। हसन, छा इंप्रेशन, हिकिड़ो छा हिकिड़ो हिकिड़ो माना एक्सपीरियंस हूंदो आहे, छा कॉन्सेप्ट हूंदो आहे, छा सोचींद सोचे करे कमु कंदा आहियो तव्हां? अच्छा, कॉन्सेप्ट छोजो हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां, मिटी मिठी मिटी मिटी मटी मिटी माना क्रिएशन आहियो। मिटी हिकिड़ो अहिड़ो मटीरियल आहे, नंढे जे जेके ॿार जेके हूंदा आहिनि उहे उन मिटी में खेॾींदा आहिनि, त पोइ उन माना कॉन्सेप्ट डेवलप थींदो आहे। यार आउं कुझु शयूं ठाहियां, पाण खे लेके टच कंदा आहियूं त का न का शइ क्रिएट थी वेंदी आहे। सही, त आहिस्ते आहिस्ते मुंहिंजो हिते ई कॉन्सेप्ट मूंखे डेवलप थींदो हुयो, त मुंहिंजो थोरो सॉफ्ट मटीरियल आहे, छो न हिनखे मां फर्दर थोरो इन में कमु करियां ऐं डिफरेंट टाइप जी जेके प्रोडक्शन जेके आहिनि ऐं उहो रिप्रेजेंट करियां। असल में चयो मुंहिंजी फैमिली कमु करे थी काशीगिरी ते, थोरी देरि पहिरीं तव्हां मूंखां पुछो काशीगारी आहे। असल में काशी असां उनखे चवंदा आहियूं जेको नक़ाशी जे मथां कमु कंदा आहियूं, मोटिव्स जेके डिज़ाइन जेके असां फ्री हैंड ड्रॉ कंदा आहियूं। उन खां पोइ जेको ग्लेस जेको असां अप्लाई कंदा आहियूं उहो हूंदो आहे काशी जो ग्लेस, जेको असां पाण ख़ुदि ठाहींदा आहियूं, त पोइ उहो अप्लाई करे पोइ इनेमल फॉर्म में आफ्टर बेकिंग उहो असांजे फॉर्म में अचे, पोइ माण्हू चवंदा आहिनि हीअ आहे काशीगिरी जो कमु। हा, त वाधका त ईअं बि थींदो आहे त जेके बि दोस्त मिलंदा आहिनि त उते जेके बिल्डिंग्स में कमु लॻियल हूंदो आहिनि त मां चवंदा आहियूं इहे काशी कमु आहे, अच्छा इतनो सारो कमु करे वियसि नी, त पोइ चवंदा यार वो इस तरह लगता तो नहीं, इतनी छोटी एज में इतना सारा काम। कहते बेटा हमारा मकसद ये नहीं कि ये काशी का काम, ये काशीकारी का काम। तो वो नहीं चलना तो मानू अक्सर ये जो भूल जी बन असा समझ लें काशी साहब का काम पर हेडा नालो ही हुआ तो वो हिसाब काशीगिरी जो असा फुल टाइम जो 72 स्टेजिस में यो पूरो थन्दो आ फाइनल किले का वठी फाइनल प्रोडक्शन। अच्छा, व्यूवर्स वटि ईंदासीं, व्यूवर्स तव्हां लाइव कॉल करे असां तव्हांखे पचेर कयो, इहे तव्हांजो प्रोग्राम आहे, अॼु लाइव कॉल कोन आई आहे, लाइव कॉल त अचे को असां बि फ्रेश थी वञूं, कंहिंजी ॻाल्हि ॿुधूं, को असांजे शहर मां किथां मुंहिंजी प्यारी सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां कॉल अचे, को स्पेशली पुछूं। ऐं जीअं त साईं नसरपुर जो आहे, नसरपुर जा पेड़ा बि मशहूरु आहिनि, ऐं उहो सर छा चवंदा पेड़ा ई जी जी बिल्कुलु पेड़ा मशहूरु आहिनि जी जी नसर पर SMS करण जो तरीक़ो बि आउं तव्हांखे हिकिड़ो दफ़ो रिमाइंड करे छॾियां, SJA स्पेस पंहिंजो नालो मैसेज ऐं सेंड करो 888 ते, असां तव्हांजे मैसेज जो इंतज़ारु पिया करियूं, मैसेज करो ताकी असां पोइ वरी ऑन ऐं तव्हांखे ॿुधायूं त के असांखे किथां मैसेज कयो आहे। अच्छा जी, कॉल आहे असां वटि, फरवा कॉल ॾिसो त केरु आहे। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कहिड़ा हाल आहिनि? अलहमदुल्ला ठीकु ठाक, तव्हां ॿुधायो? बसि अलाह जा अलाह कहसान आहिनि, कीअं आहियो तव्हां? सभु ठीकु आहे? ठीकु ठाक साईं, पंहिंजो नालो ॿुधायो सर। हाणे तव्हां नथा सुञाणियो, मुर्तज़ा लंड पियो ॻाल्हायां दुबई मां। अरे मुर्तज़ा भाई, छा ॻाल्हि आहे? ऐं मां राति तव्हांजा मैसेज बि पढ़िया हुआ फेसबुक ते, ऐं तव्हांजी जेका राय ॾिनी हुई, ऐं तव्हां पंहिंजो फोटू बि तव्हां हणी ॾियो, क्लिप हणी ॾियो जिते तव्हांजी कॉलर लिखियलु हो मुर्तज़ा फ्रॉम दुबई। जी 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 बिल्कुलु बिल्कुलु, कीअं आया फरवा? ठीकु आहे? ठीकु ठाक, तव्हां कीअं आहियो? जी मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। अॼु सवा तव्हां ॿुधायो, सभु ख़ैरु लॻो? अलाह जो शुक्र आहे, अलाह जो शुक्र आहे। दुबई मां तव्हां कॉल कई आहे, मौसम कीअं आहे हुते? अॼु तमामु घणी गर्मी आहे हिते, त दुबई जी चाहे बसि एॾी गर्मी लॻी पई आहे, तव्हांखे छा ॿुधायूं। अच्छा अच्छा, बिल्कुलु डिसंबर जे मंथ में आउं पाण बि हुते हुयसि, त उन वक़्तु मौसम ॾाढो सुठो हुयो तव्हां वटि, पर हाणे ज़ाहिर जून जुलाई में त गर्मी तमामु घणी थी वई हूंदी। रमज़ान जी कहिड़ी तयारी? रमज़ान जूं कहिड़ी तयारियूं आहिनि तव्हांजी? रमज़ान जूं तयारियूं बसि अलहमदुल्ला ठीकु आहे, हरी कोशिशि आहे अलहमदुल्ला, ऐं बि तकिड़ा रोज़ा वग़ैरह सभु रखंदा आहियूं, हाणे बि कोशिशि आहे इनशाला। अच्छा अच्छा, तव्हां प्रोग्राम ॾिसो पिया, छा चवणु चाहींदा?
जी प्रोग्राम तो तमाम जबरदस्त है अदी बेसिकली ताजे प्रोग्राम जी का टाइमिंग आए या थोड़ी असानी मजबूरी जी टाइमिंग आए तो असानी जॉब टाइमिंग आया अच्छा अच्छा रात जो रिपीट भी सुना है रात जो रिपीट दिसंदा आयो या डॉक्टर मा फेसबुक या YouTube से रिसन आया पर तमाम जबरदस्त प्रोग्राम हले पे ताजो कल भी मारी ठो पूरा प्रोग्राम थैंक यू भाईजान या मुर्तजा भाई या भी ताजो प्यार है या ताजी मोहब्बत है वरी तवा संग दिसो था आई पाजी राय खा संग आदर कयो था बेरा थैंक यू इनो परे खा सके फोन करे सके बुधाई भी ताजो वाले प्रोग्राम से तो यू इंटरेस्ट जी बिल्कुल तमाम जबरदस्त प्रोग्राम है बता जो का नेक्स्ट वीक में कोई शादी वादी के प्रोग्राम है क्या कह के ना पढ़ायो कोशिश करना थी शादी करायो सवाल टीचिंग स्टूडेंट्स जो रुझान है जिते सब टेक्निकल फील्ड मतलब जॉइन करना है डॉक्टर्स एमबीए म्यूजिक भी कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स हैं तो हिन पासे आर्ट ही तरफ स्टूडेंट्स जो रुझान है जी बिल्कुल आए जो असारे जेके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जे लाइक टेक्सटाइल डिपार्टमेंट माशाल्लाह टेक्सटाइल में असारे स्टूडेंट जेके ग्रेजुएशन करी वजन था तो पो आफ्टर ग्रेजुएशन जेके न वो जॉब जे ला जेको अप्लाई करंदा डिफरेंट डिफरेंट माना इंडस्ट्रीज में तो वो जॉब वगैरह भी कर सकंदा आराम से प्लस कम्युनिकेशन डिजाइन जेके पाण ग्राफिक डिजाइन भी चवंदा आहियूं उनमें भी स्टूडेंट हुननि अफ्रगेशन जॉब कंदा आहिनि फाइन आर्ट्स आर्किटेक्चर सिरामिक्स त तमामु सुठो आहे माशा कंदा आहिनि असांजे तक़रीबन हींअर जेको असांजो प्रोफेसर डॉक्टर भाई खान शर साहब साईं माना इन लेवल ते असांजे सेंटर खे आंदो आहे सेंटर ऑफ एक्सलेंस खे त हींअर जेका क्वांटिटी जेका थी वई आहे टोटल स्टूडेंट जी माना 400-450 माना एतिरा स्टूडेंट आहिनि अच्छा माना असांजो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जितां मुंहिंजी ग्रेजुएशन आहे उते लगभग 600-650 स्टूडेंट आहिनि इनशाला एज़ सून एज़ पॉसिबल एतिरे लेवल ते अची वेंदो असांजो तव्हांजे टीचर जी कॉल अची वई आहे तव्हांजे उस्ताद जी कॉल अची सईद मंगी साहिब जी कॉल आहे अस्सलाम वालेकुम सर ख़ुशि आहियो ठीकु ठाक मुबारकबाद ॾींदुसि ऐं सुबुह जो आवाज़ जी जी ऐं तमामु सुठो हिकिड़ो प्रोग्राम आहे ऐं ख़ासि ॻाल्हि इहा चैनल साहब सां हिकिड़ो दोस्त आहे पर ख़ासि जेको महिमान तव्हां विहारियो आहे उहो जेको आहे असांजो तमामु प्यारो दोस्त हाणे थी वियो आहे शागिर्दु नौजवान जेकी महिनत कई आहे पंहिंजी नंढी वहीअ में ऐं मां सम्झां थो अहिड़े नौजवाननि खे ॾिसी असांखे तमामु घणो उत्साह थियो आहे त सिंध में जेके तकलीफ़ी माण्हू आहिनि उहे पंहिंजो सफ़र जारी रखनि था ऐं उन्हनि जे करे इनशाला असांजे इदारनि में जेकी हिकिड़ी नवाण ऐं हिकिड़ो नवां जेके लाड़ा अचनि पिया उन में असां नौजवान तमामु घणो सिखे पियो सर कीअं थो लॻे पंहिंजे स्टूडेंट खे ॾिसी करे मुक़ाम ते ॾिसी करे तमामु घणो आनंद पियो थिए ख़ुशी पियो थिए मां हिते आयल आहियां कराची पंहिंजे रिलेटिव वटि यकीन कयो मां लास्ट पकड़ियां जीअं हसन खे ॾिठुमि त मूंखे तमामु घणी ख़ुशी थी आहे मुंहिंजी दिलि चाहे त मां छो न मुबारकबाद ॾियां छो त नौजवान असांजो सिंध जो जेको आहे तमामु घणो नालो ॿाहिरि रोशन कयो आहे ऐं इतफ़ाक़ सां हिकु स्कूल त रहियो आहे पर एम सी ए में जॾहिं मां मास्टर्स करे मल्टीमीडिया आर्ट्स में त हुते ई वरी बैचलर पियो करे असीं ॿ साल वरी हुते गॾु गुज़ारियो शागिर्दी वारे दौर में इन करे असांजा गॾियल सॼियल हिकिड़ा एक्सपीरियंसिस आहिनि उस्ताद शागिर्द खां अलावा दोस्तीअ जा बि ऐं वरी एम सी ए में जेको नौजवान कमु कयो हुते वरी पोज़िशन बि खयईं ऐं नओं हिकिड़ो हिकिड़ो असांजो शोभो आहे जेको आहे त असांजी सिंधी जो त क़दीम काशीगिरी वारो कमु जेको आहे हिनजो ख़ानदान सदियुनि खां कंदो पियो अचे बिल्कुलु ऐं हिकिड़ो हीउ नौजवान तसलसुल आहे ऐं मां मुबारकबाद ॾींदुमि हसन खे हसन तव्हां खे सभिनि जे साम्हूं सॼी सिंधी जे साम्हूं बल्कि सिंधी जे साम्हूं इहो तव्हांखे दुआ थो कयां अलाह करो तव्हां अञा इलाही तरक़ी चाहियो सो मच तव्हां बि असांखे टाइम ॾियो न सर जी 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 तव्हां बि असांखे टाइम ॾियो न प्रोग्राम में बिल्कुलु तमामु बिल्कुलु अचिबो बिल्कुलु ऐं मूंखे ॾाढी सचपच चैनल साहब सां त कचहरी सां काफ़ी थींदियूं जाम छोरे में जी जी कराची में इहो ॾिठो थिए प्रोग्राम ऐं मुंहिंजी तव्हांखे तमामु घणी मुबारकबाद मां हसन बि इहा चवंदुसि की हिकिड़े तमामु सुठे इदारे में पढ़ाए थो ऐं उते जेके नौजवाननि खे तयार पियो करे असांजी हिकिड़ी तमामु वॾी हिकिड़ी सम्झो त आर्टिस्ट जी हिकिड़ी फ़ौज तयार थिए जेकी मुस्तक़बिल में असांजा तमामु घणा प्रोजेक्ट कंदी ऐं सिंध जो तमामु नालो रोशन कंदी ऐं मुंहिंजी तमामु नेक तमनाऊं दुआऊं तव्हांजे प्रोग्राम सां ऐं ख़ासि करे प्यारे दोस्त ऐं नौजवान सां गॾु आहिनि अलाह करो हमेशह ख़ुशि हूंदो थैंक यू सर थैंक यू फॉर कॉलिंग तव्हां असांखे लाइक कयो
पंहिंजे स्टूडेंट खे ॾिसी करे ख़ुशी थी ऐं थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा मूंखे यादि आहे सर सईद मंगी साहब जॾहिं सिंध यूनिवर्सिटी में मुंहिंजी एडमिशन थी त मूंखे ड्राइंग वग़ैरह कुझु न ईंदी न हिसाब सां मन ह्यूमन फिगर्स प्रोपोर्शन त तूं सईद मंगी साहिबु ॾाढो महिनत कंदो हुन ते न। अच्छा सर सईद मंगी साहिबु सर नेमत खिलजी साहिबु इवन मोहम्मद अली भट्टी साहिबु ॿ साल जेको पोइ सर सईद साहिबु जेको मूंखे टीचिंग करायो उन खां पोइ मुंहिंजी स्कॉलरशिप जेका लॻी त जेको बि कुझु मूं सिखियो सिंध यूनिवर्सिटी मां उहो कमु वरी पंहिंजे स्टूडियो ते कयो डिस्प्ले इतफ़ाक़ सां नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जी प्रिंसिपल अची वई हुई। अच्छा उन चयो त हीउ कमु कंहिंजो थियलु आहे नंढो भाउ वेठो उन चयो त हीउ मुंहिंजो भाउ कंदो पाण त पोइ हुनजे हिनखे जल्दी घुराए छोकिरे खे जेको बि अॼु बि कमु कयो हुनखे जल्दी घुराए ऐं हैदराबाद में मूंखे भाउ वठणु आयो। अच्छा जीअं आउं स्टूडियो में पहुतसि प्रिंसिपल ऐं प्रोफेसर्स लेक्चरर्स हैदराबाद में आया कॉन्फ्रेंस अटेंड करणु मूंखे चयो इहे काम आपका जीअं कब से कर रहे मूंखे 7 साल की उमिरि से त पोइ एजुकेशन क्या आपकी मूंखे मैंने FA किया हुआ अभी फर्दर स्टडी कर रहा हूँ मैं NC चलो गया मैं क्यों एडमिशन दे रही आप त पोइ हिन खे प्रिंसिपल खे मूं चयो त मुंहिंजे मैडम असल में मसइलो इहो आहे हिते त कुझु न कुझु आऊं पंहिंजी पॉकेट मनी कमाए वेठो आहियां आराम सां प्लस में पंहिंजी फैमिली सां गॾु आहियां वाल सां बि हेल्प बि कंदो आहियां उते ई आऊं अगरि वेंदुसि त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे मूंखे पंहिंजे पॉकेट मनी फीस वग़ैरह कुझु मटीरियल वग़ैरह जेके बि एक्सपेंसिस जेके आहिनि उहे मूंखे चार्ज करणा पवंदा उन खां पोइ ऑन द स्पॉट हुन लेडी रुगो इहो चयो त आऊं तोखे फुली स्कॉलरशिप ॾियां थो स्कॉलरशिप हा अच्छा 4-year प्रोग्राम लाइ त ऑन ऑन द स्पॉट जेका हुन मूंखे माना स्कॉलरशिप प्रोवाइड कई ऐं हुन मूंखे एसी ताईं बि चयो तूं टेस्ट वग़ैरह कुझु बि न कई तोखे आउं एडमिशन बि ॾिए थो ॾियां डायरेक्ट पाण सां गॾु मूंखे तूं मूं अगरि हल मुंहिंजे मैडम आउं टेस्ट बि ॾींदुसि ॾिसां सुभाणे केरु मुंहिंजे पाड़े जो या को आस पास दोस्त कुली जेको पुछंदो त उनखे अकॉर्डिंग द टेस्ट आउं थोरी ब्रीफिंग बि ॾेई सघां थो उनखे इहा ॻाल्हि में वणी मुंहिंजी इहा ॾाढी सुठी मज़ेदार का शइ मूंखे न थिए जीअं आउं उहा सिखां बाद में उन्हें कंट्रीब्यूट करे बि यानी हर शइ जेको एक्सपीरियंस हुजे न हां ये तां जो मकसद जेको यो सुठो आ त तहां लर्न कयो ये हाने तहां उन के फैलायो भी पया या वडी सुठी गाल जेका हुंदी है या हुजण भी मान में ये कपे तहां के अगर को हुनर अचे तो तहां पो उन के सिर्फ पांजे हद तक महदूद ना रखो बेन के एक्सेल भी करो फैलायो भी इवन आऊं जदे भी वर्कशॉप करन एंडसेली में ग्रामर स्कूल में एंड आउट ऑफ कंट्री में इंडिया में भी वर्कशॉप कराई 2007 में त पोइ उते जेको न आउं पंहिंजे कल्चर खे लाज़मी रिप्रेज़ेंट कंदो आहियां। अच्छा पंहिंजी लाइक ड्रेसिंग पंहिंजी ब्लॉक प्रिंटिंग जेका पंहिंजी अजरक आहे उहा ऐं शर्टू वग़ैरह सभु उहे पाए वेंदा इवन माण्हू मूंखां पुछंदा यार हीअ किथे जी ड्रेसिंग आहे त मुंहिंजे हीअ असांजी पंहिंजी कल्चरल ड्रेस आहे जेको मां पंहिंजे कल्चर खे बि रिप्रेज़ेंट करियां थो पंहिंजे आर्ट खे बि रिप्रेज़ेंट करियां थो त जीअं माण्हू खे ख़बर पए त पोइ उहो ॾाढो ख़ुशि थींदा त पोइ एतिरो माना उहो मूंखे माण्हू चवंदा यार हीअ शयूं जेके असांखे खपंदियूं ज़बरदस्त माना वे आहे बेस्ट वे आहे जेको मार्केटिंग जो असल में करण त ॿियनि खे खपे पर हाणे असां जेके यंगस्टर जेके आहियूं उहे असां कोशिशि कयूं पिया त पंहिंजी जेका क्राफ्ट जेका आहे ओवरऑल जेका सिंध उनखे जेतिरो असां इंटरनेशनल लेवल ते असां खणी वञूं त असीं खणी वेंदा आहियूं इनशा काशीगरी थी वई वीविंग थी वई ब्लॉक प्रिंटिंग फेमस आहे जेके पंहिंजी पंहिंजी पहचान आहे जेका अॼु इलाही ज़्यादा फेमस आहे। हसन सां असांजी ॻाल्हि ॿोल हलंदी रहंदी टाइम थी वियो आहे हिकिड़े ब्रेक जो ब्रेक खां पोइ तव्हां सां गॾु नंदी प्रोग्राम तव्हांजो आहे असांजो प्रोग्राम आहे कचहरी कयो लाइव कॉल कयो छोकी हीउ प्रोग्राम आहे तव्हांजो ऐं हिन प्रोग्राम जे लाइ सुबुह जो आवाज़ سکردو میں آرمی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے اور پائلٹ سمیت 5 فوجی شہید ہوئے ہیں یہ تمام افسوسناک خبر ہوئی اکبر بگٹی قتل کیس کے حوالے سے بھی پرویز مشرف سمیت 7 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں یہ بھی بڑی عام خبر ہوئی ان کے علاوہ بھی کافی سٹو خبروں آئے ہیں پروموٹ مقصد یہ ہوا ہے تو مانگ میں اخبار پڑھنے جو کوئی رجحان ہے تھوڑا بدھائے جائے اگر سب بالکل بیک پیج پہ اچوں تو اتے بھی کراچی کی صورتحال کے حوالے سے یہ خبر آئے تو کراچی میں فائرنگ اور تشدد
کے واقعات کے نتیجے میں خاتون سمیت سات افراد ہلاک ہوئے ہیں. اچھا لیڈیز کی بھی ٹارگٹ جو کہو پہ انہیں کراچی میں یا گلڑی بالکل ایک حالت کا بھی گولی کینکھے بھی لگی سکی تھی. عورتوں جن بارڑا ہو جن پوڑو ہو جے کوئی بھی بس میں سفر کرے تو تکنے کنے حالتوں بالکل قابو کا باہر نکلے. آپ تاں نیوز میں ہوندا تاں کہ زیادہ خبر ہوندی اساں کا اف کورس زیادہ خبر ہوندی نن کے لیڈیز کی زیادہ تر ہانے نہ پیو کہ مجھے تو مطلب ان لاسٹ منتھ میں بجھو تو لیڈیز کے جو کہ زیادہ ب مایوں تے فائرنگ میں جو کہ انہوں نے جو کہ مارو ہو فلانی جگہ تے مارو ہو چھو پہری تے یہ اتنی نیوز مجھے خبر نہ ہوئی. ایگزیکٹلی فرما دیٹ ڈیپینڈز جڑے قسم جے حال تو آہن تا وا کتھا جی گولی کینکھے بھی لگی سکے تھی وا گولی نہ دسندیا تا اگلو لگندڑ کو باہر آ عورت آ کچھ ذاتی دشمن جا بھی واقعہ ہوتا ہے جن کے بھی ٹارگیٹ کلنگ جو واقعی یہ چون صحیح ہے قانون لاگو کرنے ملدار جو تو کھیلا گیا ٹپ تو لگے اسا جٹ پڑی نیوز بتایا آج کا خوشی ہے نیوز کی ملک جا بالی ووڈ کے حوالے سے بالی ووڈ میں مجھے بتایا سلمان خان چاہیے پاکستان. ہاں وی ویلکم سلمان خان پاکستان چاہیے چاہیے تو ماں پنجے جی کو مجھے فلم ہے ایک تھا ٹائیگر آواز ٹی وی تے صبح جو آواز پروگرام میں بھی نہ ہو پاکستان سری لنکا جی جو سیریز ہلے پہ ان میں پاکستان تمام کارکردگی کے خاص سٹھی نہ ڈکھاری پر سری لنکن کوچ جو چوڑا ہے تو پاکستانی بالر بہت اچھے ہیں میچ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مینس کتنے نہ کتنے انہوں نے انیا بھی کچھ خوف آئے کہ پاکستانی بالرز جے ہوندا ہیں دے آر دا ورلڈز بیسٹ بالرز ہیں وہ کچھ بھی کرے سکن تھا. سلمان خان کے حوالے سے جکا خبر عوام کے بدھائی ان کے ودی کا ایکسٹینڈ کرنا ہلوں تھا ایک تھا ٹائیگر کا پرومو بغیر سینسر سرٹیفکیٹ دکھانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کچھ کافی گالیوں بھی ہیں ان جے حوالے سے. سیف علی خان ہے کرینہ کپور جے ویورز لائے ایک سٹی خبر یہ ہے سیف علی خان اور کرینہ کپور کی شادی کی تاریخ طے نہیں ہو سکی مینس انیا ہو پنجے شادی ودی ہوئی ایکسٹینڈ کن تھا ہے خبر نہ شادی چھوندا کرن تھا ہے تو دس از آل اباؤٹ دی نیوز ہیپننگ اینڈ آئی ہوپ مانو اجا اگر نیوز پڑھن دا تو انہن کی یقینی طور تے انہن جو نیوز آغاز سٹھو گزرن بالکل نیوز آغاز بالکل سٹھو گزرن دو یا سٹھی گل ہے تا یہ تا جی جو برین جو جو فوڈ ہوندو ہے نا وہ یہ شی ہوندو ہے تا پنجو پان کے پئی پنجے برین کے فوڈ دیو انہن کے کھادو کھرائے تھوڑو سٹھو کرے انہن کا پوئی نیوز آغاز کرو تو تا جو کوئی نیوز سٹھو گزرن ضروری ہے کہ صبح صبح مانو اتھی کرے اخبار پڑھے ہکڑو انفارمیشن ملی ویندی ہے نیوز تا سا ڈسن رہن ہے پر جے اخبار جے نیوز ہوندی ہے وری ڈفرنٹ ہی ہوندی ہے بہرحال تا کی لگدا نیوز نیوز پڑھن دا کرے کرے کو ہاتھ سوچیندا ہے سٹرا گندا نیوز جو تک پیشن ٹرائی کوندی ہے ہمیں تے تا کی پہنچنا ہے اوتے ایتا خبر ہے تا جی جاب اٹ از ٹف ہے ہاں دیٹ ڈے انہوں نے مجھے فیملی تھوڑی گھنی سپورٹ کرنی ہے اور چلو ٹھیک ہے سنس آئی ڈونٹ ڈرائیو مائی سیلف تا کوئی نہ کوئی مجھے بھائی یا کوئی بردر مجھے چھڑی مندو ہے اچھا کریں اٹوائز we manage no issues okay asa wapas ye hasan wat ye hasan haane future mein tai cha planning hai kuch future planning ta mujhe ye the for the further study unhe jara mujhe scholarship jiga wa thi okay thi okay thi yani keda na ta wanyo city of florence italy italy for the masters program usi scholarship te aaya 50% scholarship hai plus mein utte part time mana ورک شاپس وغیرہ کنڈکٹ کرے سکتا ہوں ڈفرنٹ اسکولس میں ان کا پہلی تاکہ تھی ویلوا انہاں نے پہلی 2007 میں اون انڈیا یوس انہاں نے پہلی بیلفاسٹ ناردرن آئی لینڈ اتے ریزیڈنسی بھی ملی تے بن میں ملی انڈیا میں جیکا ورک شاپ اساں کنڈکٹ کئی دہلی میں آرٹسٹ ہکڑو یو کے جو ہو ٹیم اینڈریو ریزسٹ راکو کاپر روبی لسٹر ٹیکنیک اگڑی ان جیسا ورک شاپ ہوئی 25 days. اجا سندھ کے لوگ یہ ان میسج کرنا تھا جترو تھی سکے پنجے کلچر کے سیو کرے جتے جتے انٹیریئر سندھ میں پنجے کرافٹ جو کم ہلے پیو ان کے جترو سیکور کرے سکندا کن اگر فادر فردر اسٹڈی جلا ان کے کچھ کرنا ہے تا ان کے آو پنجے اون تے سیلف اسکالرشپ دی سکن بہترین بہترین تو جو اسا چاہے تا ماں جے کہ کیونکہ کچھ مانو اڑا ہن جے کہ فائنانشل دی سپورٹ سپورٹ کون کر سکندا تے غریب ہوندا سفا انہیں فیملی سے آؤں بھی بلانگ کرا تھے
thank you so much Nasir, thank you so much for joining in our program, thank you so much, thank you Amir, thank you so much viewers, break your time and break up over it as continue karna si, so stay tuned, we are just coming back after a short commercial. वेलकम बैक व्यूअर्स, असा तक वही खुश आमदी चाहूँ था प्रोग्राम दिसो पे सुबह जो आवाज़ आई काशी साहब मुझे हाँ हलिया पे हाँ अस जॉइन किया है सुठी स्पेशलिस्ट है डॉक्टर जो हमेशा अस प्रोग्राम में डॉक्टर अमरीन नैयर अस जॉइन किया है जो हमेशा अस स्किन के हवाले से सब शुभ खुद की स्किन भी बड़ी चमकती चमकती रहती है जाहिर है डॉक्टर है अपना भी ख्याल करना पड़ता होगा है ना डॉक्टर साहब वालेकुम वेलकम टू सुबह जो आवाज़ डॉक्टर साहब आज भी मेरे कोई कुछ देख रहा हूँ कुछ कुछ मटेरियल पड़े हुए हैं तो आज आप क्या लिखा है बताएंगे कुछ व्हाइटनिंग के ऊपर अच्छा व्हाइटनिंग के ऊपर व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट पे हम बात करेंगे तो बताइए इस बारे में व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट एक्चुअली लास्ट हमने प्रोग्राम किया था पिगमेंटेशन का जो कॉल्स आई थी या जो डिमांड थी वो सब व्हाइटनिंग के ऊपर थी ठीक तो वो व्हाइटनिंग के लिए सब चाह रहे थे कि समथिंग न्यू अबाउट व्हाइटनिंग कुछ होना चाहिए कि व्हाइटनिंग क्या है या जो फार्मूला क्रीम यूज कर रहे हैं बहुत छोटी छोटी बच्चियों की कॉल्स थी और उनकी एक ही डिमांड थी कि व्हाइटनिंग तो इसी वजह से आज इसका टॉपिक रखा है कि हम कुछ व्हाइटनिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं ठीक है कि एक्चुअली व्हाइटनिंग होती क्या है जैसे कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं है हमारे यहाँ मकसद होता है व्हाइटनिंग का मतलब एकदम व्हाइट कलर और हम लोग एशियंस हैं तो उनकी स्किन व्हाइट नहीं होती है मोस्टली की नहीं होती सबकी कुछ किसकी होती है कुछ की नहीं होती और आर्टिफिशियली जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो हमारी स्किन को डैमेज कर देता है सही तो उस वजह से इनको बताना कि भाई हम कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से हम स्किन को ब्राइटर साइड पे लेके जा सकते हैं सेफ वे से हम सिर्फ सिर्फ ब्राइटर साइड पे लेके जा सकते हैं 100% व्हाइट जो आपका कॉम्बिनेशन स्किन का जो कलर होता है वो नहीं आ सकता नहीं आ सकता क्योंकि एशियन कलर इस तरह का होता है और हमें तो फख्र करना चाहिए क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कलर है जो हमारा जो कलर है टफ स्किन होती है काफी चीजें आप देखें ना कि अगर यूरोपियन स्किन देखें तो उसमें ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं स्पॉट्स होते हैं बिल्कुल क्लियर नहीं होते मोल्स होते हैं स्किन पे बहुत सारे हमारी स्किन जो है कलर थोड़ा सा व्हाइटिश जरूर होता है सांवला होता है लेकिन उसमें एक टोन में होती है वो स्किन हाँ. और अगर हम उसको फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं तो उसके बाद क्या होता है पिगमेंटेड हो जाती है उसमें स्कार्स आ जाते हैं एक्ने आ जाती है तो वो स्किन ज्यादा बुरी लगती है बनस्बत एक सांवले रंग के नहीं वैसे ये आजकल जो अलग 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 किस्म के एक आइटम्स चल रहे हैं जैसे गैर मयारी प्रोडक्ट हो गए तो वो यूज करते हैं फिर वो थोड़ी देर के टेम्परेरी होता है फिर उसके बाद वो नुकसान में हो जाता है या दाने निकल आते हैं या कोई तो उन व्यूवर्स को भी आप बताएंगे कौन से वो आपके जो आइटम्स हैं वो यूज करें और नहीं हम जरूर बताएंगे उससे पहले एक छोटी सी बात करना चाहूंगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है जाहिर सी बात है काफी सारे बच्चे बच्चियां देखते हैं सिर्फ बच्चियां नहीं बच्चे भी देखते हैं एक्चुअली जब कॉल्स आती हैं जब एक कॉल खासकर वो मुझे बहुत ज्यादा तब उसने इस फार्क किया था कि जी उसकी एक जिद थी कि आपसे मुझे फॉर्मूला क्रीम का एक वो बता दें फॉर्मूला जी 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 कुछ भी हो मुझे बनाने और वो लड़का था लड़की नहीं थी अच्छा तो उसकी वजह यह है कि बताने की वजह जो है वो ये कि हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं लाइक मिसाल इस तरह से ले लीजिए कि हमारा कोई स्पेशल इवेंट होता है हम उस पर एक बड़ा स्पेशल ड्रेस बनाते हैं कीमती ड्रेस बनाते हैं अपनी वेडिंग के लिए ले लेते हैं उसको हम कितना संभाल के रखते हैं किस किस एहतियात से उसको वॉश करते हैं बहुत ज़्यादा सालों उसको चलाते हैं हमारी स्किन जो है ये अल्लाह ताला का दिया हुआ ड्रेस है गिफ्ट है ठीक है और ये अगर एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो हम उसको दोबारा क्योर नहीं कर सकते रिपेयर नहीं हो सकता बिल्कुल नहीं हो सकता कोई डॉक्टर कोई साइंटिस्ट इसको दोबारा बना ही नहीं सकते जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है वो भी आपकी स्किन का पार्ट लेके ही उसको पैचेस मतलब लगाए जाते हैं और उसको भी वो उस तरह से नहीं रिपेयर कर सकते जो अल्लाह ताला ने कंडीशन दी है तो उसकी ज़्यादा हमें केयर करनी है और जब अल्लाह ताला ने बनाई है तो यकीनन उसने देखभाल के बनाई है क्लेंजिंग हाउ मच इट्स इम्पोर्टेंट क्लेंजिंग बिकॉज आई नो कि लोग ये तो कहते हैं कि हमारी स्किन वाइट होनी चाहिए सब होनी चाहिए लेकिन क्योर के ऊपर लोगों की ज़्यादा तवज्जो नहीं है तो हाउ मच क्लेंजिंग इज़ इम्पोर्टेंट वेरी मच इम्पॉर्टेंट और डेली क्लेंजिंग उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइक आप बाहर जा रही हैं मेकअप कर रही हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियाँ हैं उनके लिए है आउटडोर वर्किंग करने वालों के लिए है कि उन्होंने क्लेंजिंग करनी है रूटीन में क्लेंजिंग करनी है रात को स्पेशली मेकअप उतार के सोना है ये नहीं कि जी बड़ा एक्सपेंसिव मेकअप हमने करवाया है तो 4-6 घंटे और इसको चला लें जी
रात को मस्ट है क्लेंजिंग करना, और क्लेंजिंग के लिए भी हम थोड़ी देर बाद अभी होममेड क्लेंजर भी बताएंगे। ये बच्चियों की खास फरमाइश थी, उन्होंने ताकीद की थी कि नाम लिया जाए उनका, हीर, अम्ब्रीन और सायमा। अच्छा, उन तीनों ने बड़ी मतलब डॉक्टर साहब को कहा होगा फोन करके कि नहीं आप मुझे क्लेंजिंग नाम लेना है, और फिर क्लेंजिंग वे जो है ना आपने बनाने बतानी है कि किस तरह से हम होममेड क्लेंजिंग बना सकते हैं। और बहुत ईजी मेथड है इसका बनाने का, इसको आप बना के रोज़ाना क्लेंजर कर सकते हैं। और जब हम डेली क्लेंजिंग करते हैं जो डर्ट है पोल्यूशन की वजह से जो आ जाता है, सन टैनिंग हो जाती है, वो क्लियर हो जाती है, तो हमारी स्किन दोबारा से फ्रेश हो जाती है। और क्लेंजिंग सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ अपने फेस की क्लेंजिंग करें, आप अपने नेक एरिया को भी इग्नोर ना करें, उसको भी साफ करें, क्योंकि फीट है नेक हैंड्स, हां डॉक्टर साहब को बोलेंगे कि आप बता दें जल्दी, मैं कुछ सीखना चाह रहा हूं किस तरह से बनाते हैं। देखें क्लेंजिंग का आपको पहले मेथड बता दूं मैं। ओके, उसमें जो है क्लेंजिंग में मैं पेस्ट बना के लाई हूँ, अगर आप ये देख रहे हो ये तमाम चीज़ें, इसको लिखवा देती हूँ आपको। इसमें 1 टीस्पून हनी शहद, 1 टीस्पून फ्रेश मिल्क, खुला दूध जो होता है, 1 टीस्पून सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, कुकिंग ऑयल ले लें, कोई सा भी ऑयल ले, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है उसमें हमने डाला है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इजीली हर घर में मौजूद होता है, नहीं है कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छा, कस्टर्ड पाउडर लगाने का है, लगाने का है। और उसमें हमने ऐड किया है 1 टीस्पून सैंडल पाउडर, ठीक है, आराम से मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है तमाम शॉप। इसका हमने पेस्ट बना लिया, एक बार फिर बता दे जी, सनफ्लावर ऑयल, कुकिंग ऑयल, कोई सा ऑयल है, 1 टीस्पून ऑयल, ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं आप, ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून फ्रेश मिल्क, फ्रेश मिल्क, ठीक है, 1 टीस्पून हनी, ठीक है, 3 चीज़ें हो गई, कॉर्नफ्लोर या अपना कस्टर्ड पाउडर, ठीक है, और उसके साथ 1 टीस्पून सैंडल पाउडर, ठीक है, ठीक है, तमाम चीज़ों का ऐसे पेस्ट मिक्स किया, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि 1 कप वाटर लेके, रोज़ वाटर ले लें, प्लेन वाटर ले लें, उसमें आपने ये पेस्ट मिक्स करना है और चूल्हे पे रख के हल्की आँच पे पकाना है, ठीक है, थोड़ा सा स्टायरिंग आपने करते रहना है। विद इन 5 मिनट्स जो है वो थिक होना शुरू हो जाएगा, लाइक कस्टर्ड और जिस तरह से सूप बनाते हैं हम, और थिक होके वो क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब आपने उसको लोशन फॉर्म में रखना है तो कम पकाएंगे, वो थोड़ा सा लिक्विडाइज ज़्यादा होगा, और क्रीम फॉर्म में है तो ज़्यादा करना है तो थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो वो हमारा थिक क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। ओके, इस पेस्ट को आप बना के या इस तरह से क्रीम बना के आप रख सकते हैं, फ्रिज में भी रखेंगे तो अराउंड 1 मंथ जो है आराम से चलती है। अच्छा, 1 महीना आप आराम से इसे चला सकते हैं। इसके फायदे बता दें। ये क्लेंजिंग कर रहा है कि जो भी आपकी डीप क्लेंजिंग करता है कि आपने फेस वॉश किया, थोड़ा सा कॉटन बॉल पे लगा के आपने मसाज किया फेस एंड नेक का, अच्छी तरह से मसाज करके आफ्टर 5 मिनट्स उसको वॉश ऑफ कर लिया, तो ये पूरे दिन की जो डर्ट है वो रिमूव कर देगा, स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा, लाइक बेबी सॉफ्ट स्किन हो जाती है कुछ ही दिनों में। बेबी सॉफ्ट स्किन, ये तो सब कहते हैं कि हमारी बच्ची जैसी स्किन की नहीं हो जाती, मतलब इससे हो जाएगी। बिल्कुल, इसलिए कि सॉफ्ट आपने सैंडल है, इसमें हनी है और फ्रेश मिल्क है, ऑयल है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपकी स्किन को नुकसान पहुँचाए। जी व्यूअर्स, तव्हांखे असां चवंदासीं त लाइव कॉल करे जेकर स्किन जे हवाले सां या हिन क्लींजिंग जे हवाले सां या ॿी का मालूमात वठणी आहे डॉक्टर अमरीन सां गॾु, लाइव कॉल करे तव्हां पुछी सघो था, ऐं वरी बि असां वरी डॉक्टर साहिब खां पुछंदासीं। अच्छा डॉक्टर साहिब, इहे है कि सन ब्लॉक लोग बहुत यूज़ करते हैं, वो अभी मार्केट में बहुत आ गए हैं, तो आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है सन ब्लॉक? सन ब्लॉक मौजूद है, और सन ब्लॉक का मसला ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर आपका है तो फिर आपको सन ब्लॉक लगाना चाहिए, आफ्टर 2 आवर्स जो है उसको वॉश करके फिर फ्रेश सनफ्लावर वो सन ब्लॉक लगाना है आपने, ठीक है। और अगर आप इस तरह से जैसे क्लेंजिंग मिल्क आपने बनाया है इसी में आप ऐड कर देते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड। अच्छा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड तकरीबन 1/4 टीस्पून, तो ये आपका सन ब्लॉक का काम भी करेगा, आप डे टाइम में इसको लगा के बाहर जा सकते हैं। अच्छा, सिर्फ 2 घंटे तक हम इसको लगा सकते हैं? बिल्कुल, उसके बाद वॉश अप करना मस्ट होता है, इसलिए कि पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी स्किन फिर ख़राब होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने क्लेंजर बताया ये वाइटनिंग की तरफ जो है वो मतलब टोन जो है वो आपकी हल्की करता है, डार्कर टोन से लाइटर पे? हाँ, जब आपकी स्किन क्लीन हो जाएगी तो आपकी स्किन वैसे ही आपको फ्रेश लगेगी और ब्राइटर लगेगी, जितना ऑयल आता है तो स्किन टैन होना शुरू हो जाती है, तो उस पर हम जब क्लेंजिंग करते हैं वॉश करते हैं तो हमारी स्किन जो है ब्राइटर साइड पे जाना शुरू कर देती है। ओके, स्किन की क्लेंजिंग, स्किन की रूटीन केयर बहुत मस्ट है किसी भी क्रीम के मुकाबले में, अगर आप स्किन की प्रॉपर केयर करते हैं तो वैसे भी आपको ब्राइटर साइड पे ले जाती हो। और डॉक्टर साहब, टोनर क्यों इम्पोर्टेंट होता है?
टोनर आफ्टर क्लेंजिंग टोनर क्यों? जब हम कोई चीज़ क्लेंजिंग कर रहे हैं, कोई मसाज कर रहे हैं, तो पोर्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है, स्किन सॉफ्ट हो जाती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, उसको बंद करने के लिए, टोनिंग करने के लिए उसका टोनर लगाते हैं, ताकि स्किन के जो पोर्स हैं दोबारा अपनी शेप में आ जाएं, क्लोज हो जाएं। जब वो क्लोज हो जाएंगे तो कोई भी जो फॉरेन बॉडी जिसे कहते हैं या डस्ट वगैरह है वो स्किन के अंदर नहीं जाती, जो कि जाके वाइट हेड और ब्लैक हेड बना देती है। जी हाँ, कॉल आ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम जी, के तुम है? जी मारिया को जाना है मेरे तो खासा। आलिया फ्रॉम मीरपुर खास। आलिया की आलिया मारिया ठीक है? ओ जी मोके डॉक्टर साहब सलाहनो मुझे भाजे मुंह पे मोड़ा जाम है। अच्छा तहां यो क्वेश्चन उर्दू में करो डॉक्टर साहब का। आलिया हेलो। अच्छा वो कह रही है मेरे मेरे भाई के चेहरे पर बहुत सारे, उनके उनके फेस पे, भाई के लिए क्वेश्चन करना था। अच्छा। कि मेरे भाई के चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हैं। पिंपल्स हाँ। अब वो अगर कॉल अगर ड्रॉप नहीं होती तो हम उसे एज पूछ लेते, क्योंकि मेरे ख्याल से एज फैक्टर भी बहुत काउंट करता है इस चीज में। और अगर पिंपल्स हैं तो एज पहले मालूम करनी है, फिर दूसरा ये कि ऑयल कंट्रोल करना है। ऑयल कंट्रोल, ठीक है। ऑयल अगर कंट्रोल होता है तो आपके एक्ने जो है पिंपल्स हैं नेचुरली क्योर हो जाते हैं। तीसरी अगर इंटरनल कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, तो उसका इलाज ज़रूरी है। अगर आप प्रोडक्ट में आते हैं तो आपको इसका ट्रीटमेंट मिल जाएगा। सीरम आता है इसका, इसकी ट्रीटमेंट किट आती है। तीन चीज़ें होती हैं, आपने रेगुलर वॉश करना है उससे और उसका क्रीम लगानी है, तो वो ऑयल भी ख़त्म करता है और उसके साथ साथ जो है एक्ने को नेचुरली जो है वो ख़त्म करता है। डॉक्टर साहब इसका कॉज क्या होता है, पिंपल्स क्यों निकलते हैं? ऑयल की वजह से, स्किन पे जब एक्सेस ऑयली स्किन हो जाती है तो बैक्टीरिया जो है वो स्किन के ऊपर आके रह जाता है, क्लीन नहीं होता वो बैक्टीरिया जो है, लाइक उसकी लाश जो है उसके ऊपर एक पस या गंदगी जमा होते होते वो एक दाना बन जाता है। सही। तो उसको बैक्टीरिया को किल करना, बैक्टीरिया को रिमूव करना मस्ट है। जब हम क्लेंजिंग करते हैं, ऑयल कंट्रोल करते हैं, उसको क्लीन करते हैं तो एक्ने क्योर हो जाती है। इंटीरियर में मैं थोड़ा सा फोकस करूँगी। हमारे रूरल एरियाज़ में बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि फार्मूला क्रीम के ऊपर बहुत एम्फसाइज़ थे। फार्मूला क्रीम वो कोई ऐसी चीज़ होती है कि बस दो दिन लगाया, तीसरे दिन आपका कलर फेयर हो जाता है। मैं चाहूँगी कि आप उन सबको बताएं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। साइड इफ़ेक्ट्स जैसे अभी कहा कि एक्ने हो जाती है, ठीक है, पिगमेंटेशन हो जाती है, और सबसे बढ़ के जो हेयर पे एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है और चेहरे पर आपके चेहरे पे बाल जो है ना निकलते हैं, ग्रो करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब हम कोई भी चीज़ लगाते हैं तो हमारे जहन में तो जी फेस पे लगाई है वॉश हो गई ख़त्म, के थोड़े से दाने निकल आएंगे, रंग गोरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सारा मसला ये होता है कि सिर्फ स्किन नहीं आपकी बॉडी भी डैमेज होती है। ठीक। कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, स्किन कैंसर, स्किन कैंसर के अलावा इंटरनली भी बच्चियों के अंदर कैंसर हो गया है, फाइब्रॉइड्स जो है ना उसकी मिकदार बढ़ना शुरू हो गई है, इनफर्टिलिटी कॉज करती है, ये सारी बच्चियों के प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा जो है लिवर डैमेजेस, किडनी डैमेजेस, ये सारे जो है ये आर्टिफिशियल प्रोडक्ट से आ रहे होते हैं। हम जो भी चीज़ केमिकल लगा रहे हैं इसका बड़ा एक सिंपल सा फार्मूला बनता है, लाइक कुछ क्रीमें बना के हम जो फार्मूला क्रीम बना रहे हैं इस तरह से एक हर्बल फार्मूला भी बनता है और दो दिन में वो सफ़ेद कर देता है, लेकिन उसका इतने डैमेजेस हैं कि अगर वो आपके कहीं कट लगा हुआ है तो वो बॉडी में जाके उसी पर डेथ भी हो सकती है। अच्छा, इतना पॉइजनस होता है। इसी तरह से फार्मूला का है कि अगर खुदा ना खास्ता ये बॉडी में पेनेट्रेट कर रहा है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब हम कोई भी क्रीम या आर्टिफिशियली चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं उसके बाद हमें कोई नेचुरल चीज़ बेनिफिट नहीं पहुँचाती है। जी डॉक्टर साहब हमारे लिए लाइव कॉल है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शायद भाई। वालेकुम सलाम। हिकिड़ो कमु कयो त तव्हां पंहिंजी टेलीविजन जो आवाज़ घटि करे ॾियो जी, पोइ वरी आवाज़ बिल्कुलु सही ईंदो। कॉल बि ड्रॉप न थींदी आहे त वॉइस कॉल। हा जी डॉक्टर साहिब खे सवाल करिणो आहे, तव्हां नालो ॿुधायो। तव्हां कहिड़ो सवाल करणु चाहींदा, पहिरीं पंहिंजो नालो ॿुधायो। जी मां नालो, मुंहिंजो नालो सायरा। सायरा, सायरा किथां पिया ॻाल्हायो? बलोचिस्तान मां ॻाल्हाईंदी आहियां दादी। अच्छा अच्छा, ऑल द वे फ्रॉम बलूचिस्तान। जी सारे छह सवाल करना चाहंदा, डॉक्टर साहब आज तक मौजूद हैं? जी मुझे शायद भाई से गला। अच्छा गला है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी चलो शायद नहीं मतलब वही कहीं आया। मेहरबानी। को सवाल डॉक्टर साहब का करना है? को
تو بس وہ یہی ہے کہ آپ فارمولا کریم نہ استعمال کریں, نیچرل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اسکن جو ہے ہماری زیادہ دن تک سلامت رہتی ہے. اچھا, اور اسکن کلر کا کوئی مسئلہ نہیں. آپ کچھ ڈائٹس میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس کے ذریعے ہم اپنے کلر کو زیادہ برائٹ کر سکتے ہیں. بالکل, یہ تو اچھی بات ہوگی کہ آپ ڈائٹ کوئی ایسی ہمیں بتائیں کہ جس سے جو ہے وہ کلر نیچرلی اپنے ٹون پہ آ جائے. اور جب پنکش ٹون آ جاتی ہے, چاہے وہ ویٹش کلر ہو, چاہے وائٹ ہو یا سانولا ہو, اس میں ایک ہیلدی جو گلو آتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے دہی ہر گھر میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. بالکل, تو ایک باؤل آپ دہی لے لیجیے, اس میں تھوڑا سا شہد, ٹھیک, لائک 1 کپ جو باؤل آپ کا دہی ہے, چھوٹا پیالہ جو دہی کا ہے, اس میں 1 چمچہ شہد اور 1 سے 2 ریشے زعفران کے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈال کے آپ نے روزانہ دہی کا استعمال کرنا. کس وقت صبح کھائیں, شام میں کھائیں, کسی بھی ٹائم. اچھا, اور تقریباً 1 ویک میں ہی آپ کھانے کے لیے, جی کھانے کے لیے, اس کو آپ کا اندازہ ہوگا کہ کلر جو ہے آپ کا کتنی تیزی سے برائٹ ہوتا ہے. تو یہ افیکٹ کب کرتا ہے؟ یہاں تو لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ آج کھایا تو کل اس کا ہمیں ریزلٹ دیکھنا ہے, بس کسی طرح سے نہیں ملا تو پھر اس کو چھوڑ دیا, دوسری طرف سوئچ کر لیا. تو آپ یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ آپ کو اس کو کنٹینیو کھانا ہے اور کتنے دنوں کے بعد آپ کو ریزلٹ نظر آئے گا؟ ایٹ لیسٹ ون منتھ کے بعد کھانا ہے, ریزلٹ آپ کو شروع میں ہی نظر آنا شروع ہو جائے گا. اجر صاحب, ایسا کوئی پروڈکٹ ہے جو لوگ ہمارے ویورز یا جو انٹیریئر میں ہمارے ہیں, وہ ایسا بھی فارمولا آپ کے پاس ہے جو وہ فارمولا چھوڑ کے وہ آپ کا پروڈکٹ یوز کرے؟ فارمولا نہیں کہیں اس کو, پھر فارمولا میں وہی چیز آ جاتی ہے. ایکچولی ہمارے پاس جو ریسرچ کر کے ہمارے انسٹیٹیوٹ نے پروڈکٹ ڈیزائن کی ہے, وہ اسی لیے کی ہے کہ جو سائڈ افیکٹس آ رہے ہیں جو فارمولا کریم کے, جو اس میں اسٹرائڈس ہیں, اس سے ہٹ کے بہت سارے ایکسٹریکٹس ہوتے ہیں, ہربل ایکسٹریکٹس ہوتے ہیں, کچھ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جس کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارا کلر نیچرلی برائٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک, نیچرلی برائٹ کا مطلب ہے کہ آپ کا اگر بچپن میں اچھا تھا وہ تو دوبارہ بہتر ہو جائے گا, اور اگر کسی وجہ سے خراب ہو گیا تو وہ دوبارہ بہتر ہو جائے گا, لیکن کالے کو گورا نہیں کیا جا سکتا. اگر ایسا ہوتا تو آج افریقہ میں کوئی کالا نہیں ہوتا. کتنی اچھی بات کہی انہوں نے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل کالے کو گورا کر دیں, لیکن ہم اس کو ایک ہیلدی لک, فریش لک دے سکتے ہیں نیچرل طریقے سے. ہمارے پاس ایک واش ہے, وائٹننگ واش ہے, اس کے ساتھ سیرم ہے. سیرم اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بہت تیزی سے پینیٹریٹ کر جاتا ہے اسکن کے اندر, اور کوئی اسٹین یا کوئی مارک کوئی اسکن کے اوپر کوئی چیز نہیں چھوڑتا, لائک کریم کی طرح, یا کوئی چکناہٹ نہیں ہوتی ہے. اس میں جو میڈیسن ہوتی ہے وہ اسکن کے اندر پینیٹریٹ کر جاتی ہے, اور آپ کے میلانن لیئر کو جو سیاہی اور سفیدی دیتی ہے, جس کو فارمولا کریم ختم کر دیتی ہے, اس کو جو ہے یہ تھوڑا سا لائٹ کر کے برائٹنیس لے کے آتا ہے. اور پھر ہماری ریگولر کریم ہے, اس کے ساتھ 3 چیزوں کا پیک ہوتا ہے. اس کا یہ واش ہوتا ہے, دیکھیں یہ واش ہے, کب سے نکل رہے ہیں آپ کو, کتنے عرصے سے؟ 3 سال سے. کون سے سٹی میں ہے؟ مورو میں ہے. چلے ٹھیک ہے, اس کے بعد بتا دیتے آپ کو. تاں کے ساتھ آن ایئر جواب نہیں ہوتا, تاں ٹیلی ویژن سنا رہے ہو. جی اچھا, دیکھا یہ مجھے بتا دیں, میں نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے تو میں اپنے ویورز کو دیکھا رہا ہوں. یہ واش ہے جی, فیس واش. اپنے کیمرہ مین کو بولوں گا کہ کاشف صاحب کو کہ یہ فوکس کر دیں کہ یہ فیس واش ہے, اور اس کے علاوہ جو یہ جو ہے یہ میں آپ کو دیتا ہوں. اس سے روٹین میں ہم نے واش کرنا ہے فیس, جو آپ کے ہاتھ میں دن میں 2 سے 3 بار. ٹھیک ہے, یہ جو ہے اسکن کو آہستہ آہستہ جو ہے برائٹنگ دیتا ہے, ڈرٹ کو کلیئر کرتا ہے, آئل کو ختم کرتا ہے. واش کرنے کے فوراً بعد ہم نے یہ سیرم لگانا ہے. اس کو باٹل کو شیک کیا, سیرم کے فیو ڈراپس لیے اور سیرم فیس کے اوپر لگا لیا, ٹوائس اے ڈے. دین یہ کریم ہے ہمارے پاس, اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے دن میں 2 سے 3 بار. ٹھیک ہے, اچھا, اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو لگا کے آپ سے دھوپ سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے.
नॉर्मली होता है कि आपको ऐसी क्रीम लगाएं व्हाइटनिंग, तो आपको धूप में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप इसको लगा के आराम से धूप में भी घूम सकते हैं, ऐसे कोई आपके स्किन पे ब्लैक मुझे नहीं ये आप दे दे तो मैं फोकस अपने कैमरामैन को बोलूंगा काशिफ साहब को कि काशिफ साहब ये हमें सिर्फ फोकस कर दे कि जैसे हमारे व्यूअर्स देखें कि एक जो मयारी प्रोडक्ट है वो ले लें, तो एक जो गैर मयारी प्रोडक्ट को छोड़ के और एक मयारी प्रोडक्ट ले, और मुझे कहा था व्यूअर्स जरूरी रिसीवर तो दो। अच्छा भाई ये अवेलेबल है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मैंने आपसे कहा कि ये अभी रिसर्च करके इसको क्लिनिकल डिज़ाइन किया गया है, खासकर जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं जो डैमेज स्किन लेके आते हैं तो उनकी वजह से इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है, अभी ये मार्केट में इसीलिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि आप कॉल करके क्लिनिक पे आके आप ले जा सकते हैं, आप मंगवा सकते हैं। अभी इसको लॉन्च किया है और हमारी जो भी प्रोडक्ट होती है, खासकर क्लिनिकल प्रोडक्ट जो हम लॉन्च कर रहे होते हैं, उसको हम बकायदा तकरीबन 1 से 2 साल उस पर रिसर्च करते हैं, उसका रिज़ल्ट देखते हैं, तो देन हम उसको लेके आते हैं पेशेंट्स के लिए और दूसरे लोगों के लिए। ओके, मतलब उसको इजीली आप यूज़ कर सकते हैं, उस पर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी भी एज में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई फार्मूला, कोई स्टेराइड, कोई केमिकल नहीं है। अच्छा, कौन सी चीज़ें हैं जो आपने मिक्स बनी हुई है? ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगी। एक्चुअली जो फार्मूला के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, हेयर रिमूविंग जो लाइक एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स हो जाते हैं उसके लिए फिर ये प्रोडक्ट है, जो बाल बढ़ जाते हैं खवातीन के चेहरे पे। ये तो बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है, और फिर लोग डिफरेंट तरीके से स्पेशली लेडीज जो वो चाहती हैं कि हमारे हेयर्स खत्म, इतनी सीवियर कंडीशन है कि वो बकायदा खवातीन के लेग दाढ़ी की तरह और ये पूरा पूरी नेक और ये सब भर जाता है, तो उसके लिए फिर उनके पास ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस का मसला नहीं, फार्मूला का ज़्यादा मसला है, ब्लीच है, क्रीम्स हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, तो उसके लिए, लेकिन पहले मैं जो कॉल आई थी उसका जी दे दो। एक्ने के लिए उन्होंने कहा था, एक्ने जो है जैसे थोड़े पहले कहा कि दाने जो निकलते हैं, एक्ने ऑयली स्किन पर निकलती है, और दूसरी चीज़ ज़ाहिर सी बात है बच्चियाँ या ख़वातीन इतना क्लियर अपनी हिस्ट्री नहीं देती हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ की होती है जिसका साइड इफ़ेक्ट एक्ने के फॉर्म में आता है। तो उसमें यही है कि ऑयल से उन्होंने अवॉइड करना है, लाइक ऑयली फूड्स नहीं लेने हैं, फिजी ड्रिंक्स नहीं लेनी है, नेचुरली रोज़ वाटर का स्प्रे जितना कर सकते हैं वो आप कीजिए, और उसके अलावा हमारे पास एक्ने अगर किसी प्रोडक्ट की वजह से एक्ने निकल रही है, लाइक अपना कोई उन्होंने फार्मूला क्रीम यूज़ की है, कोई मेडिसिन यूज़ की है, एक्चुअली बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं एंटीबायोटिक्स, उसका रिएक्शन भी होता है। जी 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 बिल्कुल, तो उसके लिए फिर उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, मस्ट ट्रीटमेंट प्रोडक्ट यूज़ करती हैं तो रिजल्ट आता है, और अगर नेचुरली निकल रही है जो नॉर्मली बच्चे बच्चियों को निकलती है, तो उसके लिए फिर आप कोई भी होम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लाइक उसमें आप पुदीना लगा सकते हैं, आप उसमें लेमन जूस लगा सकते हैं, उसके अलावा आप उसमें जो है संदल पाउडर, रोज पैटर्न का पेस्ट लगा सकते हैं, तो वो क्लियर हो जाती है। ओके ओके ओके, मैसेज हमारे पास आया है अब्दुल नजीब कैडेट कॉलेज पिटारो से, वो कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है, हेल्थ इंफॉर्मेशन भी शेयर करें, तव्हांजो जेको मैसेज आहे उहो असां एड कयो पंहिंजे प्रोग्राम में, ज़रूरु असां कोशिशि कंदासीं तव्हांखे को अहिड़ो डॉक्टर या का माण्हू अहिड़ो घुरायूं जेको तव्हांखे हेल्थ इंफॉर्मेशन ॾेई सघे, हुनजे लाइ करे असां पंहिंजे प्रोग्राम में इहो रिक्वेस्ट लिखी छॾी आहे, ऐं इनशाला जीअं असांखे लाइनअप थियो को डॉक्टर त असां ज़रूरु पंहिंजे प्रोग्राम में घुरंदासीं। थैंक यू सो मच फॉर एस एम एस। हैलो जी जी सलाम जी, केरु पिया ॻाल्हायो ऐं किथां पिया ॻाल्हायो? अच्छा ठीकु आहे, तव्हां प्रोग्राम ॾिसो पिया? थैंक यू सो मच, थैंक यू, तव्हां प्रोग्राम ॾिसो पिया, छा चवणु चाहींदा असांजे प्रोग्राम जे लाइ? अपॉर्चुनिटी मिली त आउं ज़रूर कंदसि, ऐं हाणे तव्हां रिक्वेस्ट करे छॾी आहे, हाणे त करणो ई पवंदो भई। अच्छा डॉक्टर खां को सवाल आहे तव्हांजो? को तव्हां को सवाल करणु चाहींदा? जी जी, मां डॉक्टर साहिब सां पुछणु चाहींदसि त असांजे चेहरे ते जेकी दाणा बाक़ी
उर्दू में डॉक्टर साहब का करो छो तो समझ में कौन पे था चयो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहबा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी हमारे चेहरे पे जो दाने निकलते हैं जी जी उसमें एक तो उसकी दाग जो होते हैं वो रुक जाते हैं वो दूर नहीं होते दाग जो दाग होते हैं वो दूर नहीं होते हैं एज क्या है बेटा और जो उसमें बहुत दर्द होता है जब दाने निकलने शुरू होते हैं बहुत दर्द होता है ठीक है एज क्या है उम्र क्या है एज कहनी है दानी पर भी मेरी 20 साल की उम्र है गणा 20 years परवीन थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग तां प्रोग्राम दिसर जो ब्रेक टू टाइम है ब्रेक अप वरी तां जी इन सवाल जो जवाब दीना सी थैंक यू व्यूअर्स केना नाम जो डॉक्टर साहब आसा है तां जी लाइव कॉल दी कचरी हले पी असा वटा एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है ब्रेक अप होता सा कदे Welcome back to Subuh Jo Awaaz program. Viewers, thank you so much. Tahan messages eda sara pachana sake dadi khushi pi thie. Tahan jo interest level disi. कोशिश करना है तो तहां के जो है सुठे का सुठो प्रोग्राम अरेंज करनी ताकि तहां के अवेयरनेस भी थिए अज असा का डॉक्टर भी मौजूद हैं एडी सुठी सुठी टिप्स असा के बताई डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी कि पहले हम जो कॉलर थी उनको जवाब दे दें परवीन का हाँ उसके बाद फिर हम बाकी सवाल आपसे करेंगे एक्ने का वही है कि एक्ने के लिए जो नेचुरल टिप चाहिए तो उसमें ज़रूरी है कि अगर उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया तो उनको नेचुरल ट्रीटमेंट फ़ायदा पहुंचाएगा और अगर ऑलरेडी वो कोई ट्रीटमेंट ले चुकी हैं कोई प्रोडक्ट यूज़ कर चुकी हैं तो उसके लिए उनको फिर क्लिनिकल ट्रीटमेंट ही चाहिए होगा उसके लिए एक प्रोडक्ट आती है बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है क्लियर स्किन फार्मूला के नाम से क्लियर स्किन फार्मूला के नाम से मिल जाती है और नॉर्मली मार्केट्स वगैरह में अवेलेबल भी है उसमें होता यह है कि उसको हम जब लगाते रहते हैं तो वो एक्ने को क्योर करने के साथ जो उसके निशान रह जाते हैं वो उसको भी ख़त्म करती है और देन उसके बाद जो है जो गढ़े आ जाते हैं खुदा ना खास्ता अगर किसी के गढ़े हो गए चेहरे पे तो वो उसको भी हील कर देती है सही तो वो उसको प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं और वैसे अगर चाहिए तो लेमन जूस बेस्ट है और खीरा जो है उसको आप पीसेस काट के आप रब कर लीजिए मसाज कर लीजिए जैसे मैंने सुना टोमेटो पीसेस भी आप लगाएं तो उससे कलर फेयर होता है और आपकी स्किन जो है वो पॉलिश हो जाती है एक तरह बिल्कुल अगर आप लगाते हैं तो आप थोड़ा सा फील करेंगे थोड़ी सी इचिंग होती है हल्की सी चुभन से आपको फील होगी तो एक ब्लीचिंग इफेक्ट आ जाता है और उसमें बड़ी अच्छी शाइनिंग आती है टोमेटो इतना सिट्रस है टोमेटो है लेमन से भी ज्यादा नहीं लेमन से ज्यादा नहीं है लेकिन उसकी देखिए ना हर फ्रूट की हर वेजिटेबल की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट अल्लाह ताला ने डाले हैं वो मौजूद हैं जब हम उसको लगाते हैं तो उसमें आप देखेंगे थोड़ी सी इचिंग आपको होगी या चुभन सी होगी और जब आप उसको वॉशअप करेंगी आपकी स्किन आपको फील होगा लाइक उसमें एस्ट्रोजेंट पावर है स्किन टाइट होती है एकदम से वो ब्राइटनेस आपको आएगी और स्किन बहुत शाइनी हो जाएगी तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्यूकम्बर खीरे के लिए और खीरे के जो वो दानों के जो निशान होते हैं उसको आप लगा लें क्यूकम्बर को खीरे को उसका भी मसाज कर लें और 10 मिनट्स के बाद वॉश कर लें आई रिमेम्बर मेरी एक फ्रेंड थी उसके घर में मैं जब जाती थी तो उसके घर के बाहर लॉन में एलोवेरा प्लांट लगा हुआ था वो मेरे सामने बाकायदा से तोड़ती थी उसमें तो जेल के फॉर्म में जो चीज निकलती थी उसे वो बाकायदा चेहरे पर लगाती थी हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है एलोवेरा बहुत अच्छा है वो आपकी एक्ने को ख़त्म करता है एक्ने ख़त्म होती है बालों में लगाते तो डैंड्रफ क्योर हो जाती है और उसके अलावा अगर आप एलोवेरा का एक पीस रोज़ाना खा लेते हैं थोड़ा सा लाइक 1 square inch का पीस जो है रोज़ाना आप शाम के वक्त खाना शुरू कर देते हैं तो आपकी आई साइट आपके लिवर के डिसऑर्डर आपके इंटरनल जो भी प्रॉब्लम है वो सब 40 डेज में क्योर हो जाते हैं अगर कॉल आए तो कॉल चुके रहे अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी केर पे गल है मेहरबानी ता नालो अगर हो मेरा सक्कर मजे ता मोदलिन सुपर करता है मेरा सक्कर दिया ता बड़ा बाण बड़ा सुखा हुआ बता के सब फेस्टिवल में ता के तो राजा में के गाड़ी गाड़ी को मेहरबानी 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 सक्कर फेस्टिवल में ता के लिए सी ऐसा गाड़ी खुशी थी आज सक्कर फरवा आता है खुशी नहीं थी मतलब अज मोसा गन फरवा है मतलब आज तो रोज ही में नहीं है वो तो सक्कर में तो सब दोस्तों से कर रहे हैं इतने तो फरवा मोसा गन है हेलो जी जी ताको सवाल करना चाहता
बिल्कुल ठीक ठाक तहां की आयो ठीक आयो बिल्कुल ठीक आयो तहां जी पासे वाला बारिश थी पई जी बाबू बारिश थी पई मम्मा बाबू कल बादल होया रे हां जो को मौसम सही आ गरम आ अभी गर्मी है सखा गर्मी है अच्छा वो तां वाला सने प्रोग्राम में को सवाल करना चाहंदा को चवण चाहंदा को मैसेज देना चाहंदा स्किन में मतलब हम फॉर्मूला क्रीम भी लगा रहे हैं बहुत सारी लड़कियां होती है स्पेशली टीनेज मैंने नोट किया है एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर बहुत करेंगी लड़कियां किसी तरह से गोरे हो जाएं किसी तरह से फॉर्मूला लगा लें फलानी चीज लगा लें उसके बाद जो डैमेजेस होते हैं उसकी क्योर के लिए कुछ बताएं आप देखिए जो डैमेजेस हो जाते हैं उसमें नेचुरल टिप्स हम नहीं यूज कर सकते उसके लिए हमें ट्रीटमेंट लेना मस्ट होता है लाइक डॉक्टर के पास आप जाएं ट्रीटमेंट लें आप कोई ना कोई लेकर अगर एक्नी हो गई है तो एक्नी का आपको ट्रीटमेंट लेना होगा आपको इजीली मिल जाएगा बहुत सारी ऐसी इजीली अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आप घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेशली जो अभी मैंने आपको कहा था हेयर्स के लिए एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स जो हो जाते हैं उसका बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हर 5 में से 2 बच्चियों को होता है आजकल जो हो रहा है तो उसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं पहले कहा जाता था जी हार्मोन्स की वजह से हो रहा है लेकिन अब हार्मोन्स का मसला नहीं है इसलिए कि जब हम स्टेरॉइड्स और कॉर्टिजोन्स यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से जो है ये हेयर्स जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं ठीक तो हम ये प्रोडक्ट यूज़ करके उसको नेचुरली क्योर कर सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात खासकर सेन में या इंटीरियर वगैरह के अंदर जो है फैमिली के अंदर एक ख़ानदान जो सिस्टम होता है वो मौजूद होता है तो अपने जो घर के बुज़ुर्ग हैं उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए इसलिए कि उनके जो टिप्स होते हैं उनकी जो बातें होती हैं उनके तजर्बे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं मैं आपको इसकी मिसाल दूँगी यहाँ पर एक पाउच आप देख रहे होंगे ये रखा हुआ है फेयरनेस ट्रीटमेंट के नाम से है और ये बहुत डिमांडिंग चलता है इस वक्त पाकिस्तान में अच्छा और ये आप दिखा सकते हैं जी हाँ बिल्कुल ये लीजिए एक कश्मीर से कॉल है अस्सलाम वालेकुम हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम जी केयर पे लगाए बिलाल हैदर बात कर रहा हूँ कश्मीर से बिलाल हैदर कश्मीर से बात करें हाँ जी तो मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था वैसे हम दोबारा कॉल कर सकते हैं कश्मीर से कॉल आई थी उनका कुछ सवाल था बलसावा ये जो है ये कौन सी चीज है ये इसका मैं बता रही थी कि बुजुर्गों के ऊपर से लेके आई थी हाँ हाँ कितनी अच्छी बात कही कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है कि बुजुर्गों की बातों को इग्नोर ना करें हम साइंस को फॉलो करते हैं लेकिन ये जो लायबतुल फिरदौस का खास फॉर्मूला है इसका स्पेशली आज मैं लेके इसीलिए आई थी कि ये जो है ये साइंस की इजाद नहीं है ये बुजुर्गों की एक दीवी चीज है उनके तजुर्बा एग्जैक्टली उनकी ही बताई हुई है कि उसको जो है कंपनी ने इस फॉर्म में पैक कर दिया है ठीक अच्छा। इसके अंदर पाउडर है आप निकाल के देख सकते हैं व्हाइट कलर का पाउडर है आज तक ब्यूटिशियन या कंपनीज इस रिसर्च में लगे हुए कि क्या चीज़ है ब्लीच तो नहीं है और इसको जो है छोटे जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उस पर इस्तेमाल किया जाता था अच्छा वाइटनिंग के लिए और इसको सिर्फ जस्ट थोड़ा सा पाउडर लेके दूध में मिक्स करके बच्चों को उसका मसाज करते हैं और देन उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको बात दिलाती नहला देते हैं उसके बाद जो उनको क्रीम है ऑयल है लगा दिया आपने तो उस पर जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी स्किन बहुत डेलिकेट होती है ये कलर ब्राइट करता है और इसको जब हम किसी भी तरह के स्किन पे इस्तेमाल करते हैं हमें रिजल्ट यही मिलता है लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि ये इतना पुराना एक फॉर्मूला है जो कि बुज़ुर्ग घर की बुज़ुर्ग खवातीन जो है उन्होंने कहा कि जी ये इस्तेमाल करो बच्चे का रंग थोड़ा काला लग रहा है डार्क लग रहा है नॉर्मली छोटे बच्चे होते हैं या लड़कियों को कहा जाता है कि आप ये इस्तेमाल करो उसको दूध के साथ मिला के लगाइए कंपनी ने थोड़ी सी चेंजेस की कि उसको फेस वॉशेस के साथ मिक्स करके उसको इस्तेमाल करवा रहे हैं अगर हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी रंग बहुत ज़्यादा जो बहुत ब्राइट होता है कि आप बच्चों को लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बच्चों के जो निशान धब्बे आ जाते हैं कीड़े मकोड़े ने काट लिया बारिश में हो जाते हैं वो टोटली क्लियर हो जाते हैं किसी भी एज पे इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमारी जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं उनके पास ऐसे सैकड़ों हज़ारों टोटके होते हैं
तो इनका यूज फेस वॉश में भी हो सकता है। फेस वॉश इसके साथ एक शाइनर के नाम से प्रोडक्ट आती है जो नॉर्मली बच्चियाँ होती हैं कहती हैं जी और कुछ लगाएं तो कुछ एडवांस तरीका होना चाहिए, तो उसको फिर एक शाइनर एक प्रोडक्ट है उसके साथ मिला के लगाते हैं। और अगर बच्चे बच्चियाँ वैसे भी लगाना चाहें तो मिल्क के साथ पेस्ट बना के मसाज करें और फिर उसको वॉशअप कर लें। कितने टाइम के बाद डॉक्टर साहब ये इफेक्टिव होता है? ये आपको 3-4 दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, मतलब स्किन की ब्राइटनिंग जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और कितनी देर आपको मसाज करना है दूध के साथ? अगर फुल बॉडी का मसाज कर रहे हैं तो जहर सी बात है 4-5 मिनट्स, एंड फेस का भी करते हैं तो 3-4 मिनट्स। अच्छा, इसको आप हैंड एंड फीट पे भी कर सकते हैं, जो निशान आ जाते हैं, स्किन ब्लैक हो जाती है, जॉइंट्स हो जाते हैं या स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है उस पर भी लगा सकते हैं। ये प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल है? ये मिल जाती है, मिल जाती है। सनबर्न वगैरह जब हो जाते हैं तो उसके लिए भी ये इफेक्टिव है? सनबर्न के लिए ये स्किन तो बहुत सेंसिटिव हो जाती है, लगा सकते हैं उसको। आप रोज वाटर के साथ मिक्स कर लें, दूध के साथ तो मिक्स कर ही रहे, और उसके साथ जो एक बटर मिल्क आता है या कोकोनट वाटर आता है अगर आप वो भी लगा लेते हैं फेस के ऊपर तो जो सनबर्निंग हो जाती है, सन टैनिंग हो जाती है, वो 2-3 डेज में क्योर हो जाती है। ओके, जबरदस्त। कोकोनट नारियल पानी जिसे कहते हैं। आऊं तो ये सब सामान हाने वठण वाली आऊं सोचा को खड़ी आऊं या डॉक्टर साहब देखे लड़कियों का ज्यादा राइट होता है, आपका दोनों बराबर है। आज दोनों बराबर, ये सोच रहा हूं कि ले जाओ मुझे पहले ये कैसे बता के छोटी सिस्टर का भाई ये लेना। अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो आप बालों के हवाले से बता रहे थे तो वो कैसे यूज होते हैं, उनको कैसे? एक्चुअली ऐसा होता है कि जो हेयर्स आ जाते हैं, जाहिर सी बात है बच्चियां फेस के ऊपर हेयर्स लेके नहीं चल सकती, उसको वो रिमूव करती हैं वैक्सिंग के थ्रू करती हैं या थ्रेडिंग होती है ट्वीज़र के साथ रिमूव कर देती हैं। इसमें एक हलावा जेल मौजूद है, जेल वैक्स जेल है, उससे बालों को रिमूव किया जाता है। देन उसके बाद एक लिक्विड है, फौरी तौर पर वो लिक्विड लगाया जाता है। आप जैसे बालों को रिमूव करके वो लिक्विड लगाते हैं तो वो ग्रोथ को वहीं पे स्टॉप करता है। और फिर एक पाउडर है उसको रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके वो डेली लगाया जाता है 2-3 मंथ्स तक, तो 98-99% जो है ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, 100% का दावेदार कोई भी नहीं होता। ओके, तो यानी काफ़ी फ़र्क आएगा ये लगाने से इंशाल्लाह, 98-99%। जैसे वो वैक्स वगैरह से क्या हेयर ग्रोथ में इफेक्ट आता है या बढ़ जाते हैं कम हो जाते हैं, क्या होता है इससे? इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेक्निक। आप जब वैक्सिंग कर रहे हैं या थ्रेडिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी एक प्रॉपर टेक्निक होती है। अगर आप उसके अगेंस्ट चलते हैं तो ग्रोथ बढ़ जाती है। टेक्निक के साथ आप उसके डायरेक्शन देखते हुए, कुछ खास दिनों में आप कर रहे हैं, डेज ड्यूरेशन देखते हुए, तो वो ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। ओके ओके। उसके अलावा जो है रोज़ वाटर में थोड़ा सा फिटकरी डाल लीजिए। अच्छा, और वो आफ्टर वैक्सिंग जो है या थ्रेडिंग, आप आईब्रोज भी करते हैं तो वो थोड़ा सा आप वो फिटकरी लगा लीजिए तो वहाँ के बाल भी ख़त्म हो जाते हैं। जबरदस्त। कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। केर पे गल है? कौसर पे गल है। कितना कौसर? मीरपुर खासमा। मीरपुर खासमा जी, कौसर छा चवण चाहना प्रोग्राम दिसो पे। जी आ जाऊं छो प्रोग्राम ये वाले बांध। थैंक यू। ता असो डॉक्टर साहब वो मौजूद है, ताको सवाल करना चाहना पन स्किन से रिलेटेड को क्वेश्चन। जी आप पंद्रहन जवाब दूँ था। ब्रेक जो टाइम है, व्यूअर्स डोंट गो एनीवेयर। ब्रेक का वरी अच्छी इन जो क्वेश्चन जवाब ही नसी तहां भी संगे कॉल करे पंजे सवालात करे सगुता। सो कीप वाचिंग सुख जो आवाज। वेलकम व्यूअर्स, वरी तांगे खुशामदी चाहूं था। प्रोग्राम तुम ऐसी सुबह जो आवाज ए डॉक्टर साहब असा वेठे जबरदस्त किस्म की कचहरी हली पे सुठा सुठा जवाब दियन पे। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अभी इन्होंने सवाल किया था कौसर ने कि उनकी उम्र 15 साल है, उनको पिंपल्स बहुत हो रहे हैं, तो उनके लिए रोका कैसे जाए उनको? एक्चुअली एज अभी बहुत कम है उनकी, एज ठीक है, और पिम्पल्स निकलते हैं। और उस बच्ची से मैं ये कहूँगी कि हमारे ज़माने में जब हम लोग छोटे थे तो हमें कहा जाता था कि बी ए तक कुछ नहीं करना है,
जब तक आप बीए में नहीं आ जाते या ग्रेजुएशन नहीं कर लेते या 20 साल आपकी उम्र नहीं हो जाती, आपने कुछ नहीं करना है। अच्छा, और मैं भी यही कहती हूँ बच्चियों से कि कुछ नहीं करना जब तक आप किसी बहाने ग्रेजुएशन भी हो जाएगी 20 साल के हो जाएं, 20 साल तक इंतजार कीजिए, और अगर हो गए हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको ऐसे ही क्लियर किया जाए। रोज़ वाटर लगा लें, प्लेन वाटर से उसको वॉश कर लें, जितनी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं कच्ची सब्जियां या फ्रूट्स ये इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर लीजिए। इसलिए जितना हम इस्तेमाल करेंगे हम अपनी स्किन की एज उतनी कम कर देते हैं, और जितना हम उसको कम यूज़ करेंगे या कम उसके ऊपर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उसकी स्किन जो है हमारी उतनी ज़्यादा अरसे तक यंग और रहती है, फ्रेश रहती है। बहरहाल अगर प्रोडक्ट यूज़ करना चाहें तो उसमें यह है कि जो हमारा लास्ट हमने प्रोग्राम में दिखाया था रिसर्फेसिंग ट्रीटमेंट, उसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो स्किन को बिल्कुल टोटली क्लियर कर देता है किसी भी तरह के स्पॉट्स से। अच्छा, विद इन वन वीक जो है स्किन क्लियर हो जाती है। उसको मसाजर के साथ यूज़ करते हैं, क्रीम होती है, उसका वॉश है, उसका मास्क है, और वो रेगुलर यूज़ करने का, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर बहुत सारी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और स्किन बहुत डैमेज हो चुकी है तो फिर आप वो इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब ये होते क्यों है, लाइक पिंपल्स के बाद हम लोग, मेरा जहाँ तक ख्याल है जब लड़कियों को पिंपल निकले तो उसको बार बार यूं करके उसको आप जितना ज़्यादा उसको आप टच करेंगे टच कर उसको पंचर कर देते हैं, और अगर वो मैच्योर नहीं हुआ है उसको आप वक्त से पहले पंचर कर देते हैं तो वहाँ पे स्किन डैमेज हो जाती है, नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स से वो डैमेज हो जाती है, तो वो हमेशा के लिए स्कार रह जाता है। वो तो हर कोई चाहता है कि मेरा फ्रेश हो, चेहरा हो, साफ रहे। इसके लिए सबर भी चाहिए ना। एक बार और हमें बता दें कि आपके पास ये जो प्रोडक्ट हैं कौन से हैं। कॉल अटेंड करते हैं उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अलहमदुल्ला ठीक ठाक तव्हां ॿुधायो भाईजन केरु पिया ॻाल्हायो? भाईजन जिमी दिनेश कुमार थो ॻाल्हायां, पंजू देरोगा। जी वाह जी जुनेद, छा चवंदा जुनेद भाई प्रोग्राम जे हवाले सां? भाईजन प्रोग्राम जे हवाले सां मां डॉक्टर साहिब खां क्वेश्चन खणी चाहींदुमि त जेको डॉक्टर साहिब फार्मूला जे बारे में ॾिसियो। जी जी। त डॉक्टर साहिब खां मां इहो पुछणु चाहींदुमि त जेको फार्मूलो ॾिसियो आहे त छा उहो उन जे बारे में थोरो डिटेल ॾिसनि ऐं छा उहो असांजे हिन लाड़काना साहिब ते मिली वेंदो? हा उहो अवेलेबल थी वेंदो, स्क्रीन ते हुनजो नंबर अची वेंदो, नंबर स्क्रीन ते अची रहियो आहे, तव्हां उन्हनि खां राबितो करे जंहिं जंहिं प्रोडक्ट जी तव्हांखे ज़रूरत आहे उहो तव्हां घुराए सघो था। बिल्कुलु फिर बता दें कि कौन से उनसे आपके पास प्रोडक्ट है। अभी जुनेद बोला कि मुझे लाड़काना में अवेलेबल है क्योंकि उनको लाड़काना में ये चीज चाहिए। व्हाइटनिंग के प्रोडक्ट पूछ रहे हैं ये, वो बोल रहे हैं कि ये स्किन जैसे कलर साफ करते जो आपके पास। हाँ, वो व्हाइटनिंग का फॉर्मूला भी एक बार रिपीट कर दीजिएगा। व्हाइटनिंग का जो मैंने आपको सेट बताया उसमें एक वॉश है, एक क्रीम है और एक सीरम है, ठीक है। ये आपको फिलहाल लाड़काना में नहीं मिलेगी, ये आपको क्लिनिक से ही मंगवानी होगी। आप कॉल करेंगे तो प्रोडक्ट मिल जाएगी, और इससे रेगुलर आप वॉश करते हैं, सनब्लॉक की हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, और स्किन ब्राइटनिंग जो है बहुत अच्छी और बहुत जल्दी हमें मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्किन जो है वो स्मूथ टेक्सचर में रहती है, मतलब उसमें कोई स्कार्स, कोई ओपन पोर्स या अनइवन टेक्सचर या पिगमेंटेशन उससे अकॉर्ड नहीं होती है, ठीक है। उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सेकेंड आप क्या पूछ रही हैं? क्लेंजिंग का फॉर्मूला होममेड जो है जी, जी। अच्छा, होममेड क्लेंजर जो हम बनाते हैं इसमें हमें चाहिए 1 teaspoon ऑयल, कोई सा भी ऑयल, ठीक है, 1 teaspoon मिल्क, फ्रेश मिल्क, और 1 teaspoon हनी, मतलब इक्वल क्वांटिटी में हम ले रहे हैं तमाम चीज़ें, और 1 teaspoon कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड पाउडर, ठीक। तमाम चीज़ों को हमने पेस्ट बना लिया, साथ में हमने डाला है 1 teaspoon संदल पाउडर। ओके, और अगर संदल पाउडर नहीं है तो उसकी जगह आप रोज़ पेटल्स भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, और नहीं है तो उसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके इस तरह से पेस्ट बना लिया। 1 cup आपने वाटर लिया, छोटे वाला कप या हाफ कप वाटर लेके आपने उसमें ये तमाम चीज़ें मिक्स की, और इसको चूल्हे पे रख के हल्की आंच पे पकाना है, लाइक स्टायरिंग सूप या कस्टर्ड की तरह, ठीक। जब थोड़ा सा थिक फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा आप इसको उतार लीजिए, ठंडा कर लें, किसी जार में बॉटल में भर लीजिए, फ्रिज में रखें या बाहर रखें, 1 month चल जाता है ये। okay. इसे रेगुलर जो है हम क्लेंजिंग करते हैं। और ये क्रीम, क्रीम के हवाले से बताएं, ये कौन सी क्रीम जो आप? हाँ, वाइटनिंग क्रीम। जी जी जी।
इसको आप रेगुलर आप बता रहे थे सनब्लॉक भी कोई आपको हाँ मतलब इसके बाद हमें सनब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, ये रूटीन में लगाते हैं ट्वाइस या थ्राइस अ डे, दिन में 3 से 4 दफ़ा आप लगा सकते हैं। मॉर्निंग वॉश के बाद आप लगा लीजिए, आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो लगा लीजिए इसको वॉश करने के बाद, और रात सोते वक्त आप इसको लगा लीजिए। जिस तरह से नॉर्मल क्रीम लगती है, आपने पूरा फेस एंड नेक के ऊपर स्प्रेड किया, मसाज किया, एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन ख़ास बात यह कि इसको आप सिर्फ फेस पे नहीं, आपने नेक पे भी लगाना है, अपने नेक के बैक पे भी लगाना है एंड हैंड्स पे भी लगाइए, ताकि आपका जो कलर है, जो भी विजिबल पार्ट है, वो सब एक टोन में आपका आ जाए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका कलर फेयर हो, ये इम्पोर्टेंट है कि आपका वन टोन में कलर होना चाहिए, वन टोन होना चाहिए, स्किन फ्रेश होनी चाहिए और इवन टोन में होनी चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, आज के टॉपिक के हवाले से कोई चीज़ अगर रह गई है तो वो बता दें। नहीं, ताकि हमारे व्यूअर्स सुने और देखें भी, बस यही है कि फॉर्मूला को अवॉइड करें। वाइटनिंग जो है वही वाली शुरू वाली बात है कि अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, आप खुश रहेंगे तो आप खुद ब खुद और खूबसूरत होते चले जाएंगे। बिल्कुल, खुश रहना इज मोर इम्पोर्टेंट। मैसेज दे दें, अच्छा सा मैसेज दे दें। मैसेज यही है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जैसे भी हैं आप, जैसे भी हैं, इसलिए कि यूँ समझ लिए कि माँ से 70 गुना ज्यादा आपसे प्यार करता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं कहती हूँ 70,000 गुना ज्यादा प्यार करता है। आप जब शुक्र अदा करेंगे तो हर चीज आपके पास आ जाएगी। जबरदस्त मैसेज, और ऐसे ही आप हमारे साथ रहेंगे, आपको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप हमारे प्रोग्राम में फिर आएंगे। व्यूअर्स, सुबह जो आवाज़ प्रोग्राम तुम दिखो अज अस वा रजा हसन काशी काशी, काशी को कम दिखारे काशीगिरी अस दिठी हुई उन क्लिप्स भी दिखा काफ़ी मेहनती छोकरा है। दुआ कर न्यूज़ भी दिखो, न्यूज़ के हवा से भी अखबार अपडेट बुधाई अखबार पढ़ी बुधाई डॉक्टर साहब तो असा होंगी है प्रोडक्ट भी इनशाला तला व्यूअर्स सुबह हूँ नए अंदाज सा नए गेस्ट सा नई आवाज़ सा सुबह जो आवाज़। Keep watching Subhu Awaaz. Take care. Bye-bye.